हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज से हम लोग एक और न्यू गेम प्ले खेलने वाले हैं जो कि एक हॉरर तो है बट उसकी स्टोरी गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज हम खेलने वाले गाइस क्यूरियस ऑफ स्टेप मदर, लेट्स गो गाइस। तो चलिए मैं अपना गेम स्टार्ट करता हूँ और इसकी स्टोरी मैं आपको अब बताता हूँ। तो गाइस, इसमें हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर है जिसमें कि हम एक बहुत ही पुराने हिस्ट्रिक घर में जाते हैं जो कि बहुत ही पुराने समय से पड़ा हुआ है। इसमें एक स्टेप मदर रहती है जो शायद से गाइस मतलब सभी को किडनैप कर लेती है और इन्होंने अभी एक बच्ची को किडनैप करके रखा हुआ है गाइस। तो हम इस घर में आए हैं इनके घर का व्यू लेने और देखने आए हैं कि ये कैसे रहती हैं। और बोला जाता है कि ये जो मॉम है ये गाइस एक मॉन्स्टर है या फिर एलियन भी हो सकती है, कुछ भी अभी से कह सकती है। फिलहाल ये हमें अभी अपने सारे जगह की चीज़ें दिखा रही हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अरे एक्सक्यूज़ मी, आई विल बी राइट बैक। ये कांच कौन फोड़ रहा है यार? अरे ये तो गाइस एकदम मॉन्स्टर बन चुकी है हमारी स्टेप मॉम। और ये किसी बच्ची की आवाज़ आ रही है जिसे इसने शायद से गाइस किडनैप करके रखा हुआ है। और ये रिपोर्टर तो साला गया ही गया, इसको भी इसने काम डाल दिया। थैंक यू फॉर द विजिट, सी यू सन। इसका तो काम डाल देगी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस अब देखते हैं क्या होता है। और ये क्या हुआ, यूट्यूब में? अच्छा, तो इसकी जो मतलब मॉम है गाइस वो मतलब यूट्यूब में देख रही हैं कि जो मतलब जो बच्ची खोई हुई थी जिसे इस स्टेप मदर ने किडनैप करके अपने घर में रखा हुआ है, वो इस मतलब इसकी बेटी थी गाइस। तो अब ये बंदी जाएगी उस स्टेप मदर के घर में और गाइस वहाँ से हमें उस बच्ची को छुड़ाना है जिसका नाम शायद से रोज़ा है। तो रोज़ा को बचाने के लिए गाइस अब देखते हैं हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ा यार काफ़ी दिनों से उसने उसे किडनैप करके रखा हुआ है और वो उसे बहुत ज़्यादा तंग भी करती है और वो लड़की जो है वो एकदम से परेशान हो चुकी है बेचारी। तो अब ये जो मॉम है गाइस, यानी कि ये जो कैरेक्टर है जो हम प्ले करने वाले हैं जिस कैरेक्टर से, यानी कि हमारा गर्ल्स का कैरेक्टर होने वाला है, तो हम अपने बेटी को बचाने जाने वाले हैं। मतलब ये मॉम अपनी बेटी को बचाने जा रही है, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ। एंटर इन टू द हाउस, रिंग द डोर बेल। ओके, ये रही रेड वाली बेल। हेलो स्टेप मदर, आई डोंट नो वेयर आर यू, प्लीज़ गेट आउट ऑफ हियर। इसने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम इतना जल्दी मानने नहीं वाले हैं क्योंकि इस बंदी की बेटी यार को इसने किडनैप कर रखा है, ये गलत बात है ना। तो गाइस अभी मुझे इसके घर में जाने के लिए कलेक्ट सम फ्लावर, तो मुझे गाइस इन वाइट फ्लावर को कम से कम 7 फ्लावर को कलेक्ट करना होगा। उसके बाद शायद से हम इसे कुछ गुलाब गुलाब दे दें तो ये खुश हो जाएगी और ये हमें शायद से अपने घर में एंटर होने देगी। और जैसे ही हम इसके घर में एंटर होंगे गाइस, तो हम अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे और वो जो बंदी है जिसे इसने किडनैप करके रखा है उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे बचा के यहाँ से निकलेंगे भी गाइस। तो चलिए अभी फटाक से मैं चलता हूँ इस वाले एरिया में। ये वाला कैसा एरिया है? ओह, शायद से ये हमारा ही एरिया है गाइस। तो अभी मुझे गाइस यहाँ से सिर्फ इन फ्लावर्स को कलेक्ट करना है। मेरे पास 4 फ्लावर्स हो चुके हैं और ये रहा अपना 5वां और ये रहे 6 फ्लावर्स, हमारे पास 6 हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ एक चाहिए। ओह, यहाँ तो 3-3 लगे हुए हैं, कोई बात नहीं यार। और ये हमारा गुलदस्ता गाइस एकदम रेडी हो चुका है। चलिए अब स्टेप मदर के पास चलते हैं और उसे ये गुलाब का फूल देते हैं, वो एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं, देखना तो हमें ये है। हेलो स्टेप मदर्स, हेलो। ओ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कम इन, वी कैन हैव टी। ओ नाइस गाइस, ये मुझे चाय में बुला रही है। ऑफ कोर्स यार स्टेप मदर, मैं अपनी बेटी को यहाँ से छुड़ा के रहूँगा, उस बंदी को मैं यहाँ से छुड़ा के रहूँगा। अब मैं बोल रहा हूँ, इस कैरेक्टर को हटाते हैं, उस बंदी को तो मैं यहाँ से भगा के रहूँगा। फिलहाल ये क्या है भाई? और स्टेप मदर ने हमें पहले ही बोल दिया गाइस कि पीका पक्का फॉर टी। अच्छा, प्रिपेयर सम टी। और मैं सीढ़ी के ऊपर भी नहीं जा सकता हूँ अभी, तो अभी मुझे इसके लिए गाइस एक टी तैयार करना होगा, चाय बनाना होगा बिचारी के लिए, क्यूरियस ऑफ स्टेप मदर्स के लिए। तो चाय बनाने के लिए, अरे लेकिन मैं किस वाले रूम में हूँ? स्टेप मदर, ओ स्टेप मदर वहाँ पे बैठी हुई हैं और मुझे अभी इनके लिए गाइस चाय बनाना है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है यार, ये स्टेप मदर ने हमें कुछ नहीं किया। अच्छा, शायद से अभी हमें पता नहीं है गाइस कि इसने किसी को बंदी भी बना के रखा हुआ है, तो अभी हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसीलिए स्टेप मदर अभी अपने रूप में नहीं आ रही है और हमें कुछ नहीं बोल रही है। तो मुझे सबसे पहले इस कप में पानी को भरना होगा। फिल द कप विद द वाटर। ओके, हमने इसमें पानी भर लिया है। फाइंड द टी पाउडर। टी पाउडर कहाँ पर है भाई? ओ ये रहा टी पाउडर। चलिए टी पाउडर भी इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये रहा बगल में हमारा माइक्रोवेव। चलिए कहाँ से खुलेगा भाई? ये खुल गया। चलिए इसके अंदर डालते हैं। लेकिन मैं पहली बार माइक्रोवेव में टी बनते हुए देख रहा हूँ यार, ऐसा भी होता है क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है ना मेरे को। ऑल राइट गाइस, पिक अप द कप एंड गिव इट टू इमली। अच्छा, इसका नाम इमली भी है, इमली का बूटा। चलिए इसे ले जाके इसको चाय पिलाते हैं, देखते हैं इसे हमारी चाय पसंद आई या फिर नहीं। हेलो स्टेप मदर, आप एलियन मत बनना यार अभी।
गो अपस्टेयर एंड इन्वेस्टिगेट द बेडरूम। मैं थोड़ा अटक गया था यार। ओके तो ये तो सो चुकी है यार, यानी कि अब मैं इस घर में गाइस खुरापाती कर सकता हूँ और ढूंढ सकता हूँ कि आखिर वो लड़की को इसने छुपा के कहाँ रखा है। तो इसके लिए गाइस मुझे सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना होगा इसके पूरे घर में। बकेट ऑफ वाटर, फाइंड अ बॉटल ऑफ डिटर्जेंट, इसके लिए मुझे डिटर्जेंट लाना होगा। और इस वाले एरिया में क्या है? ओ वॉकी टॉकी, इसको दबा के देखता हूँ क्या होता है। अरे ये क्या हो गया? मॉम प्लीज लेट मी आउट, आई विल डू व्हाटएवर। अच्छा मतलब उस लड़की को पता चल गया कि इसकी मॉम इस घर में आ चुकी है और स्टेप मदर ने इसे पकड़ लिया। यार स्टेप मदर ने गाइस हमें उसे हमारे बारे में पता चल चुका है कि हम एक खुफिया एजेंट है और एक बच्ची को बचाने आए थे। अरे यार ये तो बहुत ही गलत हुआ। चैप्टर वन, इमली इज हेडिंग समथिंग। अच्छा तो गाइस अब वो पूरे घर में घूमने लगी है। अब मैं उसी घर में एंटर होऊंगा, अभी तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा बच के रहना होगा। फिलहाल चलता हूँ फिर से इस डोर बेल को दबाता हूँ। ओ इसने तो डोर लॉक कर दिया। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इंटर द हाउस फाइंड अ स्टोन, शायद से यही वाला वो स्टोन है। तो इससे मुझे शायद से इसकी खिड़की तोड़ना है। मैं इसकी सारी खिड़कियाँ तोड़ दूंगा। बेटा तेरे घर की एक भी खिड़की नहीं बचेगी, सारी खिड़की मैं तोड़ दूंगा। ओ तो अब मैं हम इस खिड़की से मदद से गाइस अंदर जा सकते हैं। फिलहाल स्टेप मदर अभी ऊपर जा रही है, तो मैं एकदम मौके का फ़ायदा उठाता हूँ और यहाँ एकदम चलता हूँ। और अब मुझे क्या ढूंढना है? लुक फॉर अ लॉक पिक, मुझे लॉक पिक ढूंढना है गाइस। ओ ये क्या है? आई कैन यूज़ दिस राइट नाउ, ये पता नहीं क्या है यार, मेरे को नहीं पता। तो अभी गाइस हमें यहाँ से एक लॉक पिक ढूंढना है, फिर पता नहीं मुझे उस लॉक पिक का क्या होने वाला है। ओ हमें लॉक पिक भी मिल गई यार, ऐसा कैसे हो सकता है? बट मॉम आ गई क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ गाइस बहुत ही ख़तरनाक तरीके से सुना गई थी, इसीलिए मुझे आहट मिल गई कि वो मेरे पीछे ही है। तो मैंने समय रहते यहाँ से भाग लिया। तुरंत बाहर भागो भाई, मुझे एक भी पल नहीं रहना इसी घर में भाई, ये बहुत ख़तरनाक मदर से साली। फिलहाल गाइस चलते हैं हम। अरे ये तो सांप, अरे यार इसने तो मुझे गाइस एकदम बहुत ही यार गंदे तरीके का डरवा दिया है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, रुक जा, हम अपनी बेटी को तो बचा के रहेंगे इस घर से, तू टेंशन मत ले। फाइनली गाइस मैं दोबारा से इसके किचन में आ चुका हूँ और अब मुझे यहाँ से लॉक पिक लेना है और लॉक पिक लेके सर्च द वॉकी टॉकी। अच्छा मुझे एक बार फिर से वॉकी टॉकी को ढूंढना होगा, बट मॉम तो नहीं है ना यार, वो कितने भी समय यार एलियन बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, गोस्ट है साली यार वो। अरे वो तो यहीं पे खड़ी हुई है यार और वो वापस भी आ रही है। भागो 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 भाई भागो, एक पल मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, शायद से मुझे ऊपर वाले रूम में ही अब जाना है। और इसने मेरा पीछा करना चालू कर दिया, मुझे भागना होगा भाई। अरे मैं अटक गया था यार, अभी बच गया। आ जा आ जा स्टेप मदर आ जा, पता नहीं यार इतनी खड़ूस क्यों है स्टेप मदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस। अब मैं फिलहाल यहाँ से फ़ायदा उठाते हुए ऊपर की ओर निकल जाता हूँ और मुझे शायद से लॉक पिक से यही वाला गेट खोलना था। लॉक पिक से हम कोई भी गेट खोल सकते हैं। अच्छा हाँ यार ओके, ये वाली विंडो खोलता हूँ और यहाँ से मैं तुरंत बाहर निकलता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस रूम में आ रही है। और ये क्या है? रेड 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 वेल्व। ओ ये रेड वेल्व है, ये शायद से हमारे कहीं ना कहीं तो काम आने वाला होगा गाइस, तो इसे यहीं पड़े रहने देते हैं। फिलहाल इन सारी विंडो के अंदर मैं अभी नहीं घुस सकता हूँ, तो अभी मुझे गाइस इसके अंदर जाना होगा और देखना होगा कि इस रूम में आखिर हमें क्या क्या मिलने वाला है। और स्टीप मदर सामने थी भाई, भाग 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 भाई भाग, बच गया यार मैं तो। यार वो ऊपर ही वाले रूम में थी यार, मैंने देखा ही नहीं। रुक जा बेटा बताता हूँ, अभी तेरे घर के सारे चीज़ें तोड़ दूंगा, ये वाला भी तोड़ दूंगा। अरे मेरे को सारे तोड़ने थे यार, लेकिन स्टोन ही ऊपर रह गया। कोई दिक्कत नहीं गाइस, एक बार मैं फिर से छुपे छुपे जाता हूँ, छुप छुप के। और मुझे लगता है स्टेप मदर शायद से अभी नीचे जा चुकी है। अरे ये तो यहीं है भाई, ये नीचे जाने का नाम ही नहीं लेती है, लगता है अपने सेकंड फ्लोर में हमेशा घूमती भागती रहती है। तो चले जा भाई यहाँ से, क्योंकि मुझे उस बच्ची को बचाना है, वो बेचारी पता नहीं कहाँ अटकी हुई है, पता नहीं उसे गाइस इसने कहाँ बंद करके रखा होगा यार। फिलहाल अभी मैं इस एक बार फिर, अरे यार ये जा ही नहीं रही, इसका ध्यान मुझे भटकाना होगा, इसे मैं नीचे की ओर लेके आता हूँ और इस जगह से फिर मैं इस, अरे यार ये गलत बात है, मैंने थोड़ा लेट कर दिया और इसने दोबारा से हमें बाहर फेंक दिया, जो कि मैं नहीं देखना चाहता। लेट्स गो गाइस, तो दोबारा से मैं आ चुका हूँ सेकंड वाले फ्लोर पे और इस बार मैं इस वाले डोर को खोलता हूँ, देखता हूँ यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। वैसे फिलहाल मुझे अभी वॉकी और टॉकी ढूंढना है गाइस, क्योंकि मुझे उस बच्ची से बात करना है जिसे कि इस स्टेप मदर्स ने किडनैप करके रखा हुआ है। अब उसे इसने कहाँ किडनैप करके रखा है मुझे कुछ नहीं पता है। फिलहाल इन ड्रॉवर में मैं चेक कर लेता हूँ। अरे यार इसमें तो कुछ नहीं है, एक ये भी है, इसमें चेक करता हूँ, इसमें भी कुछ। अरे हमें वॉकी टॉकी मिल गया, एक नंबर गाइस। और ये शायद से उस लड़की से बात हो रही है और वो बेचारी एकदम परेशान हो चुकी है मुझे लगता है, तो वो हमसे गाइस हेल्प मांग रही है। और वो कहाँ है? बेसमेंट में है वो, उसे गाइस ने बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है। अच्छा तो ये नीचे वाले फ्लोर पे बेसमेंट का डोर था, मैंने देखा था।
और यहाँ से कहाँ उसे बेचारी को बंद करके रखा हुआ है यार। ये रहा बेसमेंट का डोर। तो शायद से गाइस अभी हमें यहाँ से बेसमेंट वाली की भी मिल चुकी है, लेकिन स्टेप मदर आ रही है क्या, ऐसा मुझे लगा क्योंकि उसकी चलने की आवाज़ आ रही थी। तो फिलहाल गाइस अभी मैं यहाँ से बेसमेंट की उठाता हूँ और फटाक से चलता हूँ बेसमेंट में और देखता हूँ कि वो बच्ची आखिर बेचारी है कहाँ यार, वो किस हाल में है। मुझे कुछ ना कुछ करके तो उसे बचाना ही होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं इन ड्रॉवर में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर एक कॉइन है। इस वाले में क्या है भैया, इसमें एक बैटरी मिली है गाइस, जो कि अभी मुझे इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम इसे यहीं रखे रहने देते हैं, बाद में हम इसे आके यहाँ से ले जाएंगे, है ना। तो ओ रही मोम 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 अटकी, अरे ये तो अटक गई है, ये बाहर नहीं आ सकती, फिर भी क्यों अटकी है भाई। चल मैं इधर आ जाता हूँ तो ये अपना काम करने लगेगी और मैं दोबारा से इसके घर में एंटर हो जाऊँगा। जा मोम ऊपर जा, मेरे को बेसमेंट में जाना है, तू ऊपर वाले फ्लोर पर चले जा। ओके गाइस, तो अभी मुझे जुड़ना है बेसमेंट वाला डोर, जो कि शायद से ये रहा। ओ तो शायद अब हम गाइस बेसमेंट में जा रहे हैं उस बच्ची को ढूंढने के लिए। बट ये क्या हुआ, यहाँ तो यार कच्ची सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि प्लाई की बनी हुई थी और वो टूट भी गई, और वो बच्ची हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। जो ओ ये एक और गेट है जो अभी लॉक्ड है शायद से, तो हमें उस मॉम को इस डोर से बाहर करना है, तभी हम शायद से उस बच्ची को बचा सकते हैं और तभी वो बच्ची बेचारी छूट सकती है। तो अब मुझे क्या टास्क मिला है, इमली हेड्स हाई वॉल्यूम, टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, फाइंड द टू बैटरीज फॉर द स्पीकर। अच्छा गाइस, मुझे जो ऊपर वाली बैटरी मिली थी, तो अब मुझे इसके साउंड यानी कि डीजे को, इसने साउंड वगैरह अपने घर में रखा हुआ है, तो उस साउंड में बैटरी नहीं है, तो हमें उसमें बैटरी लगाना होगा। तो फटाक से चलते हैं, मैंने किस वाले रूम में बैटरी देखा था, वैसे मैंने इस वाले रूम में चेक नहीं किया था, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, शायद से यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो हमारे काम की चीज़ होगी। फिलहाल अरे यहाँ से मुझे एक और बैटरी मिल चुकी, मुझे गाइस टोटल दो बैटरी चाहिए थी और मुझे दोनों बैटरी मिल चुकी है, तो मैं फटाक से चलता हूँ। और मैंने इसके रूम में गाइस एक डीजे को लगे हुए देखा था, यानी कि एक स्पीकर जो कि यार सस्ता ही वाला था, ये लाउड स्पीकर, तो हमने एक लाउड स्पीकर में गाइस लगा दिया है बैटरी। अब हमें एक और बैटरी ढूंढनी होगी जो कि हमें एक बगल वाले में लगानी होगी। तो फटाक से मैं शायद से इसी वाले रूम में, नहीं नहीं इस वाले रूम में नहीं था, इसका जो एक बगल वाला रूम है शायद से उस वाले रूम में मैंने एक और बैटरी देखी थी। तो अब देखता हूँ कि इस वाले रूम में बैटरी हमें मिली या फिर नहीं मिली। एक नंबर गाइस, हमें हमारी बैटरी मिल चुकी है, चलते हैं फटाक से और इसे वापस से मॉम के उस वाले रूम में, इस लाउड स्पीकर में लगा देते हैं और टीवी की वॉल्यूम भी हाई कर देते हैं, ताकि जब मॉम यहाँ पर आए तो उसका भेजा ही गाइस सनक जाए एकदम, समझ रहे हैं ना, इतना तेज़ स्पीकर बजेगा कि उसका कान का पर्दा भी फट सकता है। बट अभी मुझे करना क्या है, टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। अच्छा तो मुझे इसका टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा भाई, चल इसको भी बढ़ा देता हूँ। चल भाई और जल्दी हो, मॉम तो नहीं आ रही भाई, नहीं नहीं मॉम ने, अरे ये सॉली और सामने से आ गई यार। कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमारा काम तो हो चुका है, अब जब मॉम टीवी देखने के लिए जाएंगी तो इनका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ओके तो वेट फॉर एमली टू कम टू द वॉच टीवी एंड सी हर रिएक्शन। ओके मैं रिएक्शन देखने के लिए एकदम बहुत ही उत्सुक हूँ, लेकिन मॉम आएगी कब भाई, कब तक आएगी भाई। ओ ये आ गई गाइस अपने रूम में, और जैसे इसने टीवी चलाएगी इसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला, ये ले बेटू और किडनैप करेगी बच्चियों को। अरे ये तो मॉन्स्टर बन गई वापस से यार। तो गाइस इस वाले चैप्टर में हमें सिर्फ मॉम के साथ प्रैंक करना था, बाकी हम चैप्टर 2 में गाइस इस लड़की को यहाँ से लेके निकल जाएंगे। अभी हमें इस डिटर्जेंट के साथ एक प्रैंक करना जो कि बहुत इजी है, तो वो मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत इजी है गाइस, और इसके बाद चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं चैप्टर 2 में, और हम रोज़ा को गाइस ज़रूर इस घर से बचाएंगे, उस बेसमेंट से। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।